बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारी फैमिली समेत आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला बुरी नज़र, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज हम बना रहे हैं एक कोला कबाब। तो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, मगर ये बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस जो है ये डिश बनी थी। आपका पता नहीं, मगर ये मैंने अपने घर में फ़र्स्ट टाइम खाई है। गोला कबाब जो है वो तो मैं नॉर्मल होता है ना, वो तो बंदा खा लेता है किसी ओकेजन पे, या अगर दिल करे तो बंदा बना लेता है। तो यहाँ पर गोला कबाब, सॉरी करी गोला कबाब बनाने के लिए हमने ले लिया चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली, सब कुछ चॉप्ड। अनियन चॉप लिया, ग्रीन चिली चॉप ली, ग्राइंड कीमा लिया और जो है चॉप कोरिएंडर लिया। उसके अलावा एक एग लिया जो हमने अपने बैटर के अंदर जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जो है आप जब कीमे को आप ग्राइंड करें तो कोशिश करें कि उसके जो है रेशे निकल आएँ। जब रेशे निकलेंगे तो अपने आप जो है ये टूटेंगे नहीं सीख कबाब जो हैं हमारे। तो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और नाउ हम इसको हाथों की मदद से हम इसको सीख कबाब बनाएंगे। जो हमने अंडा इसके अंदर ऐड किया था उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि सीख कबाब में कोई कमी ना रह जाए। गोला कबाब भी कह सकती हैं हम, जो है गोला कबाब भी बना रहे हैं मगर शेप दूसरी दी है हमने। तो इस तरह फ्राई जल्दी हो जाती हैं, तो हम वन बाय वन करके इसको बना रहे थे। और एक प्लेट अपने पास रख लें जिसमें आप इसको रखें, तो हाथों की मदद से बना लें, बहुत इजीली बनेगा। अगर आप दूसरे सीख कबाब की तरह बनाना चाहें तो आप स्टिक रख के बना सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि हाथों से ज़्यादा बेहतर और अच्छे बनते हैं आसानी से। तो हमने तो हाथों की मदद से बनाए थे, तो एज़ यू विश आपको पता होगा कि आप कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना भी हमारे पास बैटर था हमने उस सारे बैटर को लिया। ज़्यादा जो है हमने बैटर नहीं बनना, थोड़ा मतलब नॉर्मल, ना बैटर ज़्यादा लेना ना बैटर कम लेना। तो जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो अपने जो है सीख कबाब यानी गोला कबाब बनाने के बाद आते हैं फ्राइंग प्रोसेस पे। इस पे जो है हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल इतना कि जितना हमें ज़रूरत हो। तो उसके हम गर्म होने का वेट करेंगे और देन हम उसके अंदर अपने सारे जो हमने कबाब बनाए हैं वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे वन बाय वन, अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि ऑयल से बंदा जो है किचन में कई इंसिडेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि ऑयल से बंदा जल भी सकता है। तो मैं तो कई बार जली हूँ ऑयल की वजह से, लेकिन ज़्यादा नहीं था, मगर अपने आप को बचाते हुए आप इसके अंदर कबाब ऐड कर दें। तो जल्दी का काम नहीं करना, आराम आराम से करें, कोई पीछे नहीं लगा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर सारे ऐड कर दिए। नॉर्मली मैंने तो ऐड नहीं किए, मामा ने ऐड किए, तो मैं तो, मेरा क्या काम है, रोलिंग कैमरा एक्शन, बस मैं तो बस वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो मेरा काम तो बस शूट करना होता है। तो आप बताइएगा कि ये शूटिंग आपको कैसी लगी, तो रेसिपी की तरफ तो बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं उसका जो है हम उनको टर्न करेंगे, एक एक करके टर्न करेंगे ताकि हमारे जो ये कबाब हैं वो टूट ना जाएं, ये भी ख्याल रखना है। और जब आप बैटर बना रहे हों तो कोशिश कीजिएगा कि कीमा में ज़रा भी पानी ना हो। वो होता है ना कि धोया हुआ कीमा जिसको आपने ग्राइंड किया तो उसमें पानी रह जाता है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको निकाल लें, पहले अच्छे से उसको मतलब निचोड़ लें, एक किस्म का निचोड़ लें ताकि जो है उसके अंदर से पानी निकल आए। अगर पानी रह जाएगा तो जब आप फ्राई करने आएंगे, फ्राई करने के लिए कबाब डालेंगे, तो जो है पानी के वजह से जब पानी और ऑयल में जाएगा तो कबाब टूट जाएगा। तो ये भी मेन पॉइंट है इस रेसिपी का। तो जी हमारे जो है ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। यहाँ फ्राई करने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे करी। करी हमने कैसे बनाई, बहुत सिंपल तरीका है। आप अनियन ले लें और टमाटो ले लें, उनका अच्छा सा मसाला बनाकर उसको ग्राइंड कर दें और फिर इसके अंदर डाल दें इस तरीके से। तो हमारा जो पेस्ट था वो काफ़ी थिक था, तो इसके अंदर हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस हाफ कप इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था ताकि जो है करी भी अच्छे तरीके से पक ले और करी के बीच में जो हमारे कबाब है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि अब जो है हमारे कबाब उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो टूटेंगे नहीं। नेक्स्ट हम इसको ढक के रख लेंगे 5 से 10 मिनट या तब तक जब तक ये पक नहीं जाता। तो इस तरीके से क्या मतलब ढक्कन उठाओ और ढक दो थोड़ी देर के लिए। और एवरीवन do like, share, comment and don't forget to subscribe this channel with bell icon ताकि कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। सर आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो जल्दी लाइक करो और देखो वीडियो, वॉच टिल एंड, डोंट स्किप माई वीडियो, ओके। तो इसको ढक के रख लिया मैंने ताकि जो है अच्छे से मतलब स्टीम हो जाए अच्छे से, ताकि जो है मैं इसको आराम से खा सकूं। यम्मी यम्मी है ना। तो इसको मैंने दोबारा से जो है ढक के रख लिया था, कितने मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद उठाया ढक्कन। ढक्कन उठाने के बाद हम इसको हिलाएंगे। मैं इसको हिला रही हूँ इस तरीके से। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे कबाब हैं ऑलमोस्ट के अब पूरे तरीके से रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और नेक्स्ट हम करेंगे डिश आउट, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलिए एक ले लें बाउल जिसके अंदर आपने करना है डिश आउट। और जो हम स्पून यूज़ कर रहे थे वो सही नहीं था, तो जी हमने सारा डाल लिया अपने बाउल में। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग। और मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत 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 मज़े का बना था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा खाकर क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था करी गोला कबाब। तो जैसा कि आपको बताया बकरा ईद चल रही है, तो उसमें आप ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, kindly like, share, comment and don't forget to subscribe this channel with bell icon ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो बाउल में डालने के बाद मैंने सोचा इसको गार्निश कर दूँ। गार्निश मैंने इसको किया था ग्रीन चिली से, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट कीजिएगा और अगर आपने फुल वॉच कर ली तो कमेंट सेक्शन में लिख देना फुल वॉच और अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।